कपास की बढ़ती कीमतें इस समय महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में कपास की कीमत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मांग बढ़ने और सीमित आपूर्ति के कारण भविष्य में कपास की कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन इस साल जलवायु परिवर्तन और भारी बारिश के कारण कपास के नुकसान में वृद्धि भी हुई है, जिसके कारण उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। मांग के आधे से भी कम आपूर्ति होने के कारण अब छोटे बड़े व्यापारी सीधे गांव आ रहे हैं और कपास की मांग कर रहे हैं। कपास की मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। यदि मांग समान रही तो किसान अपनी मनचाही कीमत पर कपास बेचेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या बेचा जाए, क्योंकि कीमतों में वृद्धि के बावजूद उत्पादन कम हो गया है। महाराष्ट्र में खानदेश जिले में कपास व्यापक रूप से उगाया जाता है। हालांकि इस साल कई इलाकों में सोयाबीन का उत्पादन कपास की तरफ भी हुआ है। कपास बोते ही बारिश आ गई। किसानों का कहना है कि भारी बारिश से कपास को भारी नुकसान हुआ और जलवायु परिवर्तन ने भी उत्पादन कम कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की अच्छी मांग के कारण इसकी कीमत 9000 रुपये से ज़्यादा हो गई है, लेकिन बारिश के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा कपास उत्पादक रोपण से लेकर कटाई तक की भारी लागत के कारण अच्छी कीमत प्राप्त किए बिना बेचना नहीं चाहते हैं। हालांकि अधिक मांग के कारण व्यापारी सीधे किसानों के दरवाजे पर जाकर कपास की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शायद किसान उच्च दरों की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों को कपास नहीं मिल पा रही है। कपास की कीमतों में पिछले 8 दिनों से तेजी आ रही है, इसलिए कपास जो 2 महीने पहले 5200 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज वही कपास बढ़कर 9000 रुपये क्विंटल हो गई है। पहले 2 किसानों के पास कपास खरीदने के बाद भी ट्रकों में भरते थे, लेकिन अब व्यापारी कह रहे हैं कि गांव में चक्कर लगाने के बाद भी कपास नहीं मिल पा रही है। इसीलिए अगर भविष्य में दरें बढ़ती हैं तो इसका फायदा किसानों को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर दरों में वृद्धि के कारण आय बढ़ती है तो इसका अलग अलग प्रभाव भी होगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।